जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर 4 मार्च 2021 का करंट अफेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विश्व वन्य जीव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो दिवस मनाया जाता है, एक कब मनाया जाता है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है। तो बिल्कुल सही, आपका यहाँ पर सही आंसर है 3 मार्च, आपका राइट आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। प्रतिवर्ष 3 मार्च को संपूर्ण देश में विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, दुनिया के वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव घोषित किया था। कब किया था? 2013 में। और 2014 को पहला विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। अगर पूछा जाए पहला विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया गया था, कब मनाया गया था, तो 2014 में, 3 मार्च 2014 को। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। ये जो है किस राज्य के हैं, ये आपके लिए बताना है। यहाँ पर बिहार के हैं, झारखंड के हैं, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के हैं, ये आपके चार विकल्प हैं। आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका पंजाब, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है, सी राइट आंसर है। देखिए पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार हैं बलदेव शरण नारंग, और इनका हाल ही में निधन हो गया है दिल का दौरा पड़ने से। और इन उनके निधन की खबर सुनते ही संगीत और कला की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। बलदेव शरण नारंग का जन्म नकोदर पंजाब में हुआ था, और इन्होंने शुरुआती शिक्षा अपने पिता पंडित केसर चंद से ली, और उन्होंने 1973 में DAV कॉलेज में बतौर संगीत प्रोफेसर ज्वाइन किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% राज्य की युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है। देखिए 75% जो है राज्य की युवाओं को ही नौकरी दी जाएगी, तो किस राज्य ने ये जो घोषणा की है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हरियाणा, राइट आंसर बिल्कुल सही हरियाणा, यानी कि विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को यानी कि 75% आरक्षण दे दिया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं। विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे नाम क्या दिया गया है। तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, टीवी यहाँ पर क्या दिया है, संसद टीवी आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, संसद टीवी जो है। देखिए राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय हो गया है, अब एक नए चैनल का संसद जो है नाम होगा संसद टीवी होगा। रिटायर्ड IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका CEO नियुक्त किया गया है। बता दें दोनों चैनलों के विलय के लिए नवंबर 2020 में राज्यसभा के सभापति जो है वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक पैनल का गठन किया था। इसी पैनल की सिफारिश पर दोनों चैनलों का विलय किया गया है, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। तो कितने करोड़ डॉलर यहां पर निवेश करने की जो है घोषणा की है। तो 5 का सही आंसर आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका क्या है राइट आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि 82 अरब डॉलर आपका सही आंसर है। 82 अरब डॉलर जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा है कि देश में समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास के लिए 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं में 82 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा।
बंदरगाहों के विकास के साथ ही जलमार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तटीय सीमा के साथ 189 प्रकाश स्तंभ हैं। इनमें से सरकार 78 प्रकाश स्तंभ के आसपास पर्यटन का विकास की योजना करने जो है योजना पर काम कर रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं कौन, नवीन पटनायक। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कितने करोड़ रुपए की यहां पर मंजूरी दी है ओडिशा की मुख्यमंत्री हैं वह नवीन पटनायक, और उन्होंने जो स्वीकृति दी है 101 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और उन्होंने राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 101 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राज्य के 50,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 3 आकांक्षा और 68 दूसरे होटल्स का उद्घाटन किया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस होटल्स में रहने वाले 5.75 लाख छात्रों के लिए माय होटल कार्ड भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा है, किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपका सही आंसर है विनेश फोगाट। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। देखिए भारतीय पहलवान है विनेश फोगाट ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व के 7वें नंबर की खिलाड़ी बेलारूस की बेनिसा कलाद जिंक्स क्या को फाइनल मैच में हराया। विनेश फोगाट ने इंचियोन एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा 2018 में इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया, क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और 8 का सही आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका यहाँ पर रवि कपूर आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही रवि कपूर, जिन्होंने बताया है लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS से सेवानिवृत्त रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है। मालूम हो कि रिटायर्ड IAS अधिकारी कपूर जो रवि कपूर हैं 86 के बैच के असम मेघालय कैडर के हैं। इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने किया है। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये आपका जो है चैलेंज प्रश्न है, पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न था कि भारत में जूट का सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वह किस राज्य में है, कहां पर है, ये आपसे पूछा था। तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया था कि पश्चिम बंगाल राज्य में, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर था। तो बहुत बढ़िया राइट आंसर बताया था, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। जूट एक प्रमुख रेशेदार फसल होता है, और इसके रेशों में बोरे, रस्सियां, कालीन, कपड़े आदि इससे जो है इसके द्वारा बनाए जाते हैं। आज का चैलेंज प्रश्न की बात करें कि आज का चैलेंज प्रश्न क्या है, जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में लिखना होता है, विस्तृत लिखना होता है। तो आज का जो बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपका, सभी लोगों से इसका आंसर आना चाहिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये इतना सरल क्वेश्चन है आपका कि सभी के लिए कमेंट में आंसर जरूर लिखना चाहिए। तो 5, 6, 7, 8 ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, और जो भी चैनल पर पहली बार आए तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम ग्रुप की, तो यहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। यहीं पर आपके लिए PDF और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।